यूपी में केशव राजनीति का क्या होगा? अनंत वक्ता राजनीति में आज चर्चा इसी की। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता, मैं हूं पंकज उपाध्याय। साथियों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के पर्यवेक्षकों, दिल्ली के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कारण बताया जा रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता के केंद्र बिंदु कई हैं और सत्ता के शीर्ष पदों पर काफी ज्यादा तनाव है। कई लोगों का अंदरूनी अंदर खाने मानना यह है, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। कई अटकलें हैं, अटकलों का बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म है। साल 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ मुखिया के तौर पे 4 साल पूरा कर चुके हैं। 19 मार्च 2017 को जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है, तब से लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों की तलवारें खींची हैं अपने मियानों से। संबंध सामान्य नहीं है, जबरदस्ती संबंध बने हैं, बनाए गए हैं। कारण, केशव प्रसाद मौर्य समझते हैं या उनके समर्थक समझते हैं कि उनको सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोकसभा के सांसद थे फूलपुर प्रयागराज से, उनको वहां से ले जाके वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, दिल्ली की राजनीति को छुड़ा के प्रदेश की राजनीति में वापस किया गया, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे सिपाही के तौर पे काम करें जिससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होना चाहे। हुआ भी ऐसा, केशव प्रसाद मौर्य के कठिन परिश्रम, मोदी मैजिक और कई फैक्टर्स ने एक साथ मिलकर काम किया। इनके नेतृत्व में काफी अच्छा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में आई और सत्ता पर काबिज हुई। अब उस समय सबसे ज्यादा मारामारी कि मुख्यमंत्री कौन बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी स्वभाव से ऐसी है कि कहने के लिए नवनिर्वाचित विधायक और नवनिर्वाचित सांसद मुखिया चुनते हैं, लेकिन यहां से फरमान जारी होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अहम मौके पर उस समय भी कई नाम चल रहे थे, इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आया और मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने काम शुरू किया। पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहले दिन से ही केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। यूपी राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावी जातिवाद फैक्टर है। उत्तर प्रदेश में 17% से ज्यादा ओबीसी मतदाता है, उसको नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे नहीं कर पाएगी। पीछे आते हैं थोड़ा सा, साल 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, तो इसके पहले मेरठ के लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी गौरवशाली कार्यकाल रहा है, उनके नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव हुए थे। बात की बात यह है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल उन चीजों को हम छोड़ के आगे चलते हैं। अब फिर केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी है, इनके हटने के बाद बीच में महेंद्र पांडे को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को उत्तर प्रदेश में संतुष्ट रखना चाहती है। स्वतंत्र देव सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुखिया है, ओबीसी है। ओबीसी को रिझाना और चुनाव में संतुष्ट करना सबसे पहला टारगेट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को रिझा के ही सत्ता में आई है। इसके पहले अखिलेश यादव ओबीसी से ही है। केशव प्रसाद मौर्य कई बार अड़ जाते हैं, कई मामले सामने आए, इस 4 साल में कई बार बातें आई। इस समय का जमावड़ा यही बता रहा है कि क्या होने वाला है, क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा। अगर नहीं
तो फिर केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? उप मुख्यमंत्री पद उनको इसलिए दिया गया था कि वो संतुष्ट रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद एक छलावा था, इसलिए कि उनको गृह नहीं दिया गया, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा। बात की बात है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री काफी ताकतवर होता है, इसके पहले कलराज मिश्रा पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते। उप मुख्यमंत्री पद का मतलब, मकसद और जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ी, इस विषय में हमने एक वीडियो पहले बनाया है, आई बटन में आप देख सकते हैं। पद से क्या अपग्रेड होंगे केशव प्रसाद मौर्य? ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो आपको क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य के लिए कोई विकल्प है? सशक्त मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आता है, गाहे बगाहे मांग उठती है कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर